हेलो गाइस, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर और अ फिल्म मेकर, हम सब यही चाहते हैं कि एक बहुत ही अच्छे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे वर्क करे, राइट, जो कि एकदम फास्ट हो और फास्ट पेसिंग एडिटिंग बहुत ही इजीली हो पाए। तो चलिए जानते हैं टॉप 5 वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स इन द पीसी दैट यू कैन यूज वेदर यू आर अ बिगिनर और एन इंटरमीडिएट और एन एडवांस्ड लेवल वीडियो एडिटर। द नंबर 1 पे आता है द मोस्ट लव्ड एंड वाइडली यूज्ड Adobe Premiere Pro। तो दोस्तों, अगर आप एक फिल्म मेकर हो, एक कंटेंट क्रिएटर हो और एक वीडियो एडिटर हो, तो आपने Adobe Premiere Pro के बारे में तो सुना ही होगा या फिर वर्क भी किया होगा। काफी और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जो कि एडिटिंग बहुत ही ज्यादा इजी बना देता है। और अभी जो 2023 का लेटेस्ट वर्जन है, उसमें तो ट्यूटोरियल भी दिया है कि अगर किसी को नहीं आता है तो वो इजीली गो थ्रू कर सके और लर्न कर सके। सेकंड पे है द इंडस्ट्री लव फाइनल कट प्रो। तो जितनी भी बड़ी बड़ी मूवी इंडस्ट्रीज है या प्रोडक्शन हाउस है, वहां पे सारे लोग FCP ही यूज करते हैं। तो FCP 7 जो उसका पहले वाला वर्जन था, वो भी अभी तक यूज हो रहा है। हालांकि अभी FCP 10 आ गया, जिसमें बहुत सारे प्रीसेट्स एंड प्लगइन्स लोडेड आते हैं। नंबर 3 है iMovie। तो गाइस, iMovie में हम लोग पिक्चर्स को भी PNG फाइल्स को भी हम लोग एनिमेट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही इजी यूज सॉफ्टवेयर है दैट यू कैन ट्राई ऑन योर PC। नंबर 4 है लाइटवर्क्स। तो बहुत से लोगों ने लाइटवर्क्स के बारे में सुना नहीं है, बट इनका जो इंटरफेस है ना, वो बहुत ही अच्छा है। तो यहां पे सीमलेसली कट लगाना और उसके बीच में ट्रांजिशन डालना बहुत ही इजी होता है, ऑल थैंक्स टू इट्स इजी यूजर इंटरफेस। तो लाइटवर्क्स में आप हाई एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, जो कि हम जैसे क्रिएटर को बहुत ही यूजफुल होता है। तो नंबर 5 पे आता है काइनमास्टर। तो हम सभी ने काइनमास्टर के बारे में तो सुना ही होगा या तो कहीं उसकी एड देखी होगी, राइट। मोबाइल से इसकी शुरुआत हुई थी, मोबाइल में वाइडली यूज। तो मैंने पर्सनली कभी काइनमास्टर यूज नहीं किया था, बट पिछले हफ्ते से मैं यूज कर रहा हूं, तो मुझे समझ में आ रहा है बहुत ही इजी कर दिया गया है जो मोबाइल में कंटेंट क्रिएटर है उसके लिए। तो मोबाइल में जो कंटेंट बनाना पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत ही इजी हो गया ये चीज एडिट करना, ट्रांजिशन डालना, प्रीसेट लोड करना, प्लगइन्स लोड करना, लट्स यूज करना, उसमें सारी चीजें दे दी गई है। तो आप भी जाइए और काइनमास्टर को ट्राई जरूर कीजिए अगर आपने नहीं किया तो।